हाँ जी बेटा, तो वी विल डू वन क्वेश्चन, लेट अस डू द फोर्थ क्वेश्चन बेटा फ्रॉम द एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज 0 to 2 x√(x+2) dx. ओके बेटा, अगर आपको याद हो ये टाइप कैसी है, लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर. अगर लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर हो या लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, हम वहां कहते थे क्वाड्रेटिक वाले को टी पुट कर दो. लेकिन जब लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर है तो अंडर रूट लीनियर वाले को आप टी पुट कर दो और x+2 जो है वो टी स्क्वायर और dx इज इक्वल टू 2t dt. तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी. लिमिट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी. तो मेरे पास क्या आएगा, पुट अगर x इज इक्वल टू 0, जब x 0 आया मेरे पास, x 0 पुट कर दीजिए, जहां मर्जी पुट कर लीजिए. ठीक है, तो मेरे पास वह जब 0 पुट किया, आप यहां करोगे ना तो आप कहोगे ना प्लस माइनस वैल्यू आई, बेटर टू पुट गया. जब 0 पुट किया तो टी की वैल्यू √2 आई, तो मैंने टी इज इक्वल टू √2. ओके, और जब आपने जो है एक्स की वैल्यू 2 पुट की यहाँ पर, ओके, 2 + 2 = 4, √4 = 2, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, जो है हमने 2 पुट किया था. देखिए एक्स की वैल्यू मैंने जब 2 पुट की, मैं दोबारा बता रही हूँ, 2 + 2 = 4, रूट अगेन, तो 2t भी 2 ही आया, कोई चेंज नहीं है, कोई बात नहीं. तो अब क्या करेंगे हम, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल मेरे पास जो है √2 to 2. ओके, अब देखिए यहां पर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, t² - 2. ओके, और यहां पर कितनी आई, टी आई और डी टी आई, तो मेरे पास √2 2 और मल्टीप्लाई किया t³ - 2t और डी टी. ओके, तो मेरे पास जो है इंटेग्रल √2 2. अब हम इंटेग्रल कर दें तो ऐसे करते हैं, देखिए मेरे पास जो है √2 2 t⁴ / 4 - 2 t²/2, इट विल कैंसल और अपर माइनस लोअर कर दीजिए. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, चले आ गए. अब मेन जो हमने टॉपिक, क्योंकि ऐसे हमने उस दिन 4-5 क्वेश्चंस किए थे, अब मेन बेटा हम करेंगे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन. 100% एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और ये हमारी कैलकुलेशंस को क्या कर देता है, इजी कर देता है. ओके बेटा, सबसे पहले अब हम आगे क्या करते थे, कोई मेथड देखते थे कि सब्सिट्यूट करें या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, रीअरेंजमेंट करें और फिर अपर माइनस लोअर. बट कई बार क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है उससे कि हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेट इंटेग्रल की लर्न की है. अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, लेट अस सी. फर्स्ट प्रॉपर्टीज मेरे पास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, मेरे पास डेफिनेट इंटेग्रल एंड व्हाट दैट प्रॉपर्टीज आर, नंबर फर्स्ट बेटा मेरे पास जो है इंटेग्रल a(b)f(x)dx हो तो दैट इज इक्वल टू a(b)f(t)dt. मतलब वेरिएबल चेंज हो जाए, वेरिएबल चेंज हो जाए तो मेरे डेफिनेट इंटेग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर को. एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मीन्स अगर 1 to 2 मेरे पास हो गए t²dt है, यहाँ लिमिट t की है, और ये किसके इक्वल होगा, 1 to 2 x²dx. अरे अल्टीमेटली तो यहाँ x की वैल्यू अपर माइनस लोअर, यहाँ t की वैल्यू, आनी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है. आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसका करेंगे तो t³/3 1 to 2 जो है मेरे पास 8/3 - 1/3, सॉल्व कर लीजिए 7/3 इज द आंसर. ओके, जब मैं यहां पुट करूंगी तो मेरे पास जो है t³/3
मेरे पास तो है 1 to 2, 8/3 -1/3, 7/3 इज द आंसर। दोनों में देखिए आंसर सेम, यानी वेरिएबल का डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट जो है मेरे पास प्रॉपर्टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, बहुत यूज होती हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मैं अपर को लोअर में ले आऊं लिमिट को, और लोअर को अपर में ले आऊं, अपर लिमिट को लोअर में ले आऊं, लोअर को अपर में ले आऊं, तो मेरा आंसर नेगेटिव में फर्क पड़ता है। मेरा आंसर नेगेटिव में फर्क आता है सिर्फ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? चलें आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ब्रेकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट आ जाए ना, मतलब फंक्शन चेंज होता है यहां पर, तो 100% वहां पर ये प्रॉपर्टी लगती है। पहले प्रॉपर्टी लिखूंगी फिर इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा। ओके, क्या प्रॉपर्टी है देखिए, इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स, मेरे पास डी एक्स है, दैट इज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर सी ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा। ओके, अब कैसे, लेट अस सी वेयर वी इंप्लीमेंट दिस। ओके, अगर मेरे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आई विल राइट ऑन दिस है ना, कि मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू, लेट अस सी एग्जांपल 30, जो हमारी बुक है वो इसी पर बेस्ड है, दैट इज एग्जांपल 30 मेरे पास, और इंटीग्रल -1 to 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये डी एक्स, ये मेरे पास। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां ये फंक्शन जीरो के इक्वल होता है, तो x कॉमन x स्क्वायर माइनस वन, इसको जीरो पुट करो, x की वैल्यू जीरो और इधर से x की वैल्यू एक वन एक माइनस वन, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है जहां फंक्शन अपनी वैल्यू को, अपनी नेचर को चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे भी दे चेंज इट। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब वो वैल्यूज को चेंज करता है तो बेटा हम किस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर, लेट अस सी वो कैसे करेंगे। देखिए 0, 1 एंड -1, -1 से स्टार्ट होता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब -1 to 2 के बीच में मेरे पास दो पॉइंट्स है, कौन से, एक 0, 1 आ रहे हैं ना, तो इन दोनों पे फंक्शन चेंज होगा कैसे, मतलब हम ब्रेकेज करेंगे, कहने का मतलब -1 to 0 आफ्टर देन 0 to 1 देन 1 to 2। लेट मी शो यू प्रॉपरली, देखिए हो गया। अब -1 to 0 जो है मेरे पास क्लियर कट। अब मैंने देखना है ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे चेक करते हैं, आप इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू यू कैन टेक, जैसे मैंने ली जो है -0.5 या -1/2, जब मैंने -1/2 ली, मैंने पुट किया यहां इस फंक्शन में -1/2, ये नेगेटिव हुआ, यहां पर मेरे पास हो गए ये भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब फंक्शन ये पॉजिटिव आएगा तो मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, अब अगले में आ रहे हैं 0 to 1, 0 to 1 में वो 1/2 हम ले लें, मतलब 0.5 जब मैं लेती हूँ पॉजिटिव, ये 0.5 पुट किया, 0.5 यहाँ पर 0.25, ये अंदर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव, तो इसीलिए ये ऐसे बन जाता है फंक्शन। ओके, अब अगला किससे, 1 और 2 के बीच में 1.5, अब चेक कर लेना
ऑल्टरनेटिव चलते हैं, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते थे हम, साइन चेक करते थे ना, प्लस माइनस वेवी कर्व की तरह, सेम यहाँ पर होता है। तो आप चेक करोगे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हम लोगों का पहला निकालो, अगला ऑल्टरनेटिव चलता है, बट एक बार चेक जरूर कर लो। मुझे 100% पता है कि अगला ये फंक्शन पॉजिटिव ही होता है, बिल्कुल जैसे तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चेक करते थे बेटा, सेम वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, वहां पर चेक किया वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव है तो मॉड। देखो ये ब्रेकेज हुई, मेरे पास सी पॉइंट आया दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी, आ गया ना बेटा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अब आगे आगे कुछ भी नहीं करना, आगे बस ये ब्रेकेज का काम होता है, जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है वहां सिर्फ ब्रेकेज का काम है, आगे इंटीग्रल सबसे इजी होती है। और ऐसे क्वेश्चन मॉड वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो अब आगे अपने इंटीग्रल करना है, बस x पावर 4 बाय 4 माइनस x स्क्वायर बाय 2 जो है माइनस 1 टू 0, मेरे पास जो है नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया, और x पावर 4 बाय 4 माइनस x स्क्वायर बाय 2 मेरे पास जो है 0 टू 1, और प्लस मेरे पास जो है x पावर 4 बाय 4 माइनस x स्क्वायर बाय 2 और 1 टू 2। ओके, क्लियर टू एवरीवन? आगे तू सॉल्व कर सकते हो अपर माइनस में, यही उस जो है, और जितने मॉड वाले फंक्शंस है ना उसमें ये प्रॉपर्टी लगती ही लगती। आप सीधा मॉड वाला क्वेश्चन आप इसको कहो, क्योंकि मॉड एक्स का इंटीग्रल आपको नहीं पता है, आप इसको कहो मैम ये एक्स पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इम्पॉसिबल, दैट इज टोटली रॉन्ग। जब भी मॉड वाला आए तो हमें ऐसे ब्रेकेज करनी है, और कहां ब्रेकेज करनी है, क्रिटिकल पॉइंट। और 4 मार्क्स में अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल का आना है तो 90% मॉड वाला क्वेश्चन आता है। अगर आप देखोगे इस बार के सैंपल पेपर में भी मॉड वाला क्वेश्चन आया। ओके बेटा, जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज है, क्लियर? चलो और क्वेश्चन करें हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। क्वेश्चंस तो हम सारे ही करते बाद में करेंगे, सिर्फ मैं साथ साथ एक एक एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ओके, तो लेट अस डू, मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर जो है फोर्थ ले लीजिए। फोर्थ नंबर में कोई नंबर फिक्स नहीं होता, प्रॉपर्टी हमें मेंशन करनी पड़ती है। मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार ये क्वेश्चंस में लगती है, इंटेग्रल ए टू बी, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इंटेग्रल ए टू बी ही रहता है, हम यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती है? ज्यादातर ऐसे सम्स में लगती है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर, अगर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो डिनोमिनेटर चेंज ना हो। फिर और किसमें लगती है? जिसमें आपको पता है कि उससे डिनोमिनेटर को कोई इफेक्ट नहीं होना, मैं आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में और टी रेशियोज वाले क्वेश्चन में वहां लगती है जहां एंगल का सम 90 हो जाए, एंगल का सम 90 हो जाए। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ आपके एनसीईआरटी में से कि कहाँ मुझे पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी लगनी है। अंडर रूट वाले क्वेश्चन जैसे इसकी एक पर्टिकुलर आदि है वो भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे 0 टू a f ऑफ x dx, ये इसी से हमने ड्राइव की हुई है कि अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू a कर दें तो ये प्रॉपर्टी f ऑफ a माइनस x dx बन जाती है, सेम ही है प्रॉपर्टी। अब मैं बताने लगी कहाँ इंप्लीमेंटेशन, लेट अस सी। आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ओके, अंडर रूट साइन एक्स ओवर मेरे पास अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है? तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू, मेरे पास जो है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर ए जीरो है, मेरे पास
और बी जो है वो पाई बाय टू, क्या इस प्रॉपर्टी को कह दू जीरो टू सीधा लगा तो मेरे पास क्या आएगा इंटेग्रल जीरो टू ए एज इट इज। अब यहाँ पर ए माइनस एक्स व्हाट डज इट मींस, जहां पर एक्स है वहां पर पाई बाय टू माइनस एक्स लेते तो मेरे पास साइन पाई बाय टू माइनस एक्स ओवर अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट जो है कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट कॉस एक्स ओवर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस मेरे पास हो अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। देखो डिनोमिनेटर को कोई फर्क पड़ा, मैंने आपको पहले ही कहा ये प्रॉपर्टी 95% ऐसे क्वेश्चन में लगते हैं, 95 क्या 100% जो है ऐसे क्वेश्चन में लगती है जहां डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बेनिफिट क्या होता है देखो, ये भी आए है ये भी आए है मेरे पास जो है ये वन और ये टू मेरे पास जो है दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें। जब हम ऐड करेंगे एडिंग वन एंड टू तो मेरे पास किधर क्या बन जाएगा टू आई इंटेग्रल जीरो टू पाई बाय टू मेरे पास जो है That is under root cos x plus under root sin x dx और ऊपर क्या आ जाएगा under root sin x plus under root cos x add कर दिया ना मैंने, इसमें रूल ही ऐसा है और ये कट गया कितना बचा बेटा वन है ना मेरे पास इंटेग्रल जीरो टू पाई बाय टू वन डी एक्स मेरे पास वन का इंटेग्रल x आया तो मेरे पास हो गए x और जीरो टू पाई बाय टू इधर टू आई चल रहा है बेटा। ओके तो मेरे पास i क्या बन जाएगा व्हाट आई विल गेट हियर i इज इक्वल्स टू क्योंकि अल्टीमेट मैंने i की वैल्यू निकालनी तो i दैट इज इक्वल्स टू इधर पाई बाय टू आया था तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर इज माय आंसर। बस पता चला ये कैसे प्रॉपर्टीज लगाई है मैंने, how I implement this property, is it clear to everyone? No response from plus 2 C beta, no response. Okay, चलिए बेटा, let us do the next property. मैंने आपको दो properties combine कर दी, means बताया कि बस A plus B है और या 0 to A है, ठीक है? तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और ये क्वेश्चंस कहाँ इंप्लीमेंट होती है ये प्रॉपर्टी, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17th देखिए, जीरो टू ए अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जब भी जीरो टू ए ऐसे अंडर रूट वाला है वैसे मैं करूं मुझे सब्स्टिट्यूशन सोचनी पड़ेगी, मैं रैशनलाइज करूंगी, मैं अपर माइनस लोअर करूंगी, माई व्यू से लंबा हो जाए। जब भी आपको लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, ये तो 100%। अब देखिए मेरे पास जो इंटेग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज मेरे पास जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर ए माइनस एक्स लगा तो क्या करूंगी, मेरे पास जो है जीरो टू ए अंडर रूट एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स, यहां पर ए माइनस एक्स, यहां पर एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स लगाऊंगी तो ये ए माइनस ए प्लस एक्स बन गया डी एक्स, ए ए कैंसिल। ओके तो मेरे पास क्या बचा जीरो टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, यही बना ना मेरे पास। अब दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, मेरे पास जो है आई दैट इज आई और आई प्लस आई क्या बन जाता है टू आर इंटेग्रल जीरो टू ए डिनोमिनेटर सेम अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स,
कैंसिल, फिर वही वन बचा टू आई, वन का इंटीग्रल एक्स जीरो टू ए, ठीक है ना बेटा, तो टू आई इज इक्वल टू ए, तो आई इज इक्वल टू ए बाई टू. वेरी इजी टू इंप्लीमेंट दीज प्रॉपर्टीज इन अ डेफिनेट इंटीग्रल. सबको यहां तक पता चल गया बेटा? हाँ जी, कोई डाउट है अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट टू एनी वन. चलिए तो लेट अस मूव टू नाउ नेक्स्ट. मेरे पास टू है प्रॉपर्टी. ओके अगेन, अब जो इतनी आगे प्रॉपर्टीज है ना वो वन मार्क के क्वेश्चन, नो डाउट आप कहते हो मैम वन मार्क का क्वेश्चन नहीं आना, बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि टू मार्क्स के क्वेश्चन में दो पार्ट्स बन जाए, तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना. हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि वेरी स्मॉल क्वेश्चंस को हम छोड़ दें, इम्पॉसिबल. ओके, तो अब देखिए बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज हैं कि कम लगती हैं, बट जहां लगती हैं हमें उसको याद रखना पड़ता है. ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आती है. ओके, लेट अस डू दीज प्रॉपर्टीज. मेरे पास जो है जीरो टू टू ए, ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स. एक तो ये प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा देखिए मेरे पास जो है दैट इज, ये भी जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब बेटा देखो यहां पर पता क्या प्रॉपर्टी में था, जितना 2a है उसका हाफ, मतलब सिंपल सी बात, हाफ लगाना है. अगर मान लो यहां कहीं पे होता पाई बाय टू, तो यहां पाई बाय फोर आ जानी लिमिट, बस यहां पर भी पाई बाय फोर आ जानी. ओके, इन प्रॉपर्टीज में थोड़ा हमें देखना पड़ता. ओके, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है कि फंक्शन कैसा. देखिए अगर 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स है, ये 2 टाइम्स आ जाता है इंटेग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर मेरे पास जो है एफ ऑफ 2 माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल. ओके, और इसका आंसर 0 आ जाता है बेटा. If मेरे पास जो है एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, कि अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ के इक्वल है, सीधा इसका इंटीग्रल जीरो. आपने कोई सॉल्विंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना. अब ऐसे क्वेश्चन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा. ओके, अब नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज है वो क्लियर कट पता चल जाती है. इन दो प्रॉपर्टीज में हमें देखना पड़ता है, अदरवाइज जो नेक्स्ट है ना माइनस ए टू ए, मतलब माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, माइनस वन टू वन, माइनस टू टू टू, क्लियर कट पता चल जाता है कि दोनों में से एक कोई प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती. सिर्फ इन दोनों को हमें ध्यान से देखना पड़ता है. तो लेट अस डू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट टू ही है. अब वो क्या प्रॉपर्टीज है देखिए मेरे पास टू है, दैट इज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये ट्वाइस कब होता है? इफ मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन. मेरे पास ये क्या है? इवन फंक्शन. ओके, और मेरा इसका आंसर जीरो. अभी मैं बताती हूँ इवन फंक्शन का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता. तो इसका आंसर जीरो आता है इफ मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन. ओके, क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे यहां पर जो है इवन फंक्शन का मतलब क्या है, कि अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो वो f ऑफ x के इक्वल ही हो. दिस इज इवन फंक्शन.
फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस माइनस एक्स लूंगी, मेरे पास ऐसे है माइनस पाई बाय टू, टू पाई बाय टू एंड आंसर इज कॉस एक्स डी एक्स। मैं आंखें बंद करके उसका आंसर जीरो लिखूं क्योंकि सॉरी इवन फंक्शन है ना, तो टू टाइम्स इंटेग्रल जीरो टू पाई बाय टू करो इवन फंक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव को कंज्यूम कर ले। ओके, तो अगर मेरे पास तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना, तो ऑड फंक्शन, नेगेटिव बाहर आ जाए। इसका मैं ऐसे लिखूंगी ट्वाइस जीरो टू पाई बाय टू जो है कॉस एक्स डी एक्स, आगे कॉस का इंटेग्रल हम कर लेंगे। लेकिन अगर यही फंक्शन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन फाइव एक्स डी एक्स होता तो ये नेगेटिव कंज्यूम नहीं करता, बाहर आ जाता ना, तो ये ऑड फंक्शन होता, तो इसका आंसर जो है मेरे पास जो है क्या आ जाता, जीरो आ जाता। अच्छा, अगर यही पावर यहां फोर हो जाती, नेगेटिव कंज्यूम हो जाता, तो इसका ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल जीरो टू पाई बाय टू मेरे पास साइन फोर एक्स डी एक्स। फिर आगे हम इवन पावर होती है, मैंने आपको बताया था, तो डबल एंगल फॉर्मूला या हाफ एंगल जो भी आप कहते हो उसको यूज कर। ये बात समझ आई बेटा आप लोगों को? क्लियर टू एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है लास्ट टू जो यूज होती। हाँ जी, प्लस टू सी, इज इट क्लियर टू यू बेटा कि कैसे हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं? ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। मेरे पास जो है क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज सारी होगी, अब हमने क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के, तो लेट अस डू दैट क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद जो है ऑप्शनल जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आप खुद ट्राई करोगे। आई विल टेक ओनली प्रॉब्लम, सो स्टार्ट डूइंग योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो यू कैन आस्क मी, मैं सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। क्लियर? चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने लगे हैं, और एग्जांपल 30 बहुत बार पेपर में आई हुई है, एग्जांपल 31, 32 कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, सारे क्वेश्चंस एग्जांपल 35, 36 ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जहां एग्जांपल 35 में 10x है, पेपर में cot x के साथ भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस, डोंट मिस इट। मैं एग्जांपल 35 और 36 करवाने लगी हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। एग्जांपल मेरे पास तो है थर्टी सिक्स, आपकी बुक में देख लेना, मेरे में थोड़े से पुरानी बुक है तो उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। ओके, वन प्लस अंडर रूट टेन एक्स, एक बार एग्जाम में यहाँ कॉट एक्स वाला आया, करना तो वैसे ही, ठीक है, सबसे पहला काम टेन को साइन कॉज में चेंज करो। जब आप टेन को साइन कॉज में चेंज करोगे तो मेरे पास यहाँ पर इंटेग्रल पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री डी एक्स वन प्लस रूट साइन एक्स ओवर रूट कॉस एक्स मेरे पास हो, इंटेग्रल पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री, हाँ जी रूट कॉस एक्स एलसीएम में तो उसको ऊपर आ जाए, तो रूट कॉस एक्स डी एक्स ओवर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये आया। अब क्या करें, ये प्रॉपर्टी ए टू बी, अभी जब मैंने आपको बोला था जीरो टू ए इसी में से निकाली हुई, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी इंटेग्रल मेरे पास जो है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स,
ओके जी, तो क्या करें यहां पर, व्हाट वी विल डू, मेरे पास जो है दैट इज पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री रूट कॉस। अब देखो पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स 90 हो गया, पाई बाय टू मैंने आपको पहले ही बताया था जब एंगल सम 90 हो साइन कॉस हो तो ये प्रॉपर्टी लगेगी लगेगी, तो यहाँ पाई बाय टू माइनस एक्स अंडर रूट जो है कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस मेरे पास रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। इसका बेनिफिट क्या होगा, डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं हुआ, फिर वही एडिंग। अब इसको फर्स्ट लोगे इसको सेकंड लोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करके फिर वो सेम क्वेश्चन बच। ओके टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, बी रेडी फॉर दैट, क्लियर। एग्जांपल 36 वी कैन डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी रेडी विद दैट। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।